नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज मैं बैंगलोर पैलेस पर आया हूं और ये एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है बहुत सारे टूरिस्ट के लिए। और पैलेस बहुत ही सुंदर, बेमिसाल डेफिनेटली है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसा है ये पैलेस, और अंदर चल के भी देखेंगे क्या कुछ है इस पैलेस के अंदर, क्यों इसे वन ऑफ द टू विजिट लोकेशंस में रखने को कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग की बैंगलोर पैलेस के दर्शन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप BMTC की बस से आ रहे हो तो वसंत नगर बस स्टॉप है जो इसके नियरेस्ट होता है। आपको वहां से उतर के जस्ट वॉकेबल ही है, कुछ आधा किलोमीटर चलना पड़ता है। वो चल के फिर इस रेलवे लाइन जा रही है जो ऊपर से, इसके नीचे से ऐसे क्रॉस करके आना होता है। और ये है एंट्रेंस टू बैंगलोर पैलेस। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंगलोर पैलेस टेनिस कोर्ट, और ये सारे चीजें अंदर हैं। हम लोग फिलहाल बैंगलोर पैलेस के लिए जा रहे हैं, तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। बैंगलोर पैलेस दोस्तों हर मंडे को क्लोज्ड होता है, तो आप अपना दिन चूज करके आए ताकि आपको निराशा हाथ ना लगे यहाँ पे आने के बाद, बंद ये ना हो। और अगर आप इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे आते हैं तो वो बेस्ट टाइमिंग है यहाँ पे आने के लिए। अगर आप ऑटो करोगे दोस्तों तो वो लोग जनरली थोड़े से पैसे ज्यादा मांगते हैं, 100 या 200 रुपए ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम आगे तक आपको छोड़ के आएंगे। तो बेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन यही है कि आप वसंत नगर उतरो बस स्टॉप पे, और वहां से थोड़ा वॉकेबल है, और यहाँ भी अगर आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ भी आपको आधा किलोमीटर या टोटल आप लगा लो 1 या 1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा और ये सामने की तरफ बैंगलोर पैलेस आ जाएगा। यहाँ पे एक शादी हो रही है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम पैलेस के अंदर जा सकते हैं। आप देख सकते हो बाहर से इसका व्यू। ये है बैंगलोर पैलेस दोस्तों बाहर से। क्राउन जैसा शेप इसको दिया गया है। तो ये है कुछ एंट्रेंस दोस्तों पैलेस का। यहाँ पे अभी एक रिसेप्शन चल रहा है, और सामने है ये पार्क, लोग एंजॉय कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। और ये है पैलेस की एंट्रेंस, काफी अच्छा है पैलेस है। यहाँ से अंदर एंट्री करने के बाद 240 रुपीज इंडियन सिटीजन के लिए कैश पेमेंट करके आप अंदर जा सकते हो, और देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल ये है। और यही है बैंगलोर पैलेस। अंदर चलते हैं दोस्तों इस पैलेस के और देखते हैं क्या कुछ है। और यहाँ पे अंदर टिकट्स मिलते हैं।
ये है दोस्तों पहले सामने से, तो बेसिकली दोस्तों रिसेप्शन हॉल है यहाँ पे, और बैंड देख सकते हो आप सामने, और ये है बैंगलोर पैलेस का शानदार नजारा। दोस्तों ये कार्बन का आपको फ़ोन दे दिया जाता है ईयरफोन के साथ, आप ट्रैक चूज़ करो अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने दिखाया ट्रैक्स लगे हुए थे, और आप ट्रैक चूज़ करो और जो भी ट्रैक सिलेक्ट करते हो फिर वहाँ से ऑडियो बजती है उसके बारे में। अलग अलग जगह पे ट्रैक्स लगे हुए हैं, जैसे वन सिलेक्ट करके अगर मैं प्ले करूँगा, तो वन के बारे में प्ले होने लग जाएगी ऑडियो। ये सामने की तरफ है गार्डन, तो ये था दोस्तों ब्लॉग बैंगलोर पैलेस का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। अगर आप बैंगलोर में आ रहे हैं तो इसे विजिट करना ना भूलें। बहुत लोग यहाँ पे मैरिजेस भी करवाते हैं, मैंने वहाँ पे अंदर स्टाफ से बात की तो पता चला कि इसका टोटल रेवेन्यू 92 करोड़ है पर मंथ। अब मुझे ये पता नहीं कितना सच है क्या गलत, लेकिन सचमुच में रेवेन्यू ज़्यादा है क्योंकि लोग यहाँ पे मैरिजेस भी करवाते हैं और घूमने वाले टूरिस्ट आते ही रहते हैं। तो दोस्तों मैं जस्ट बाहर आ गया हूँ पैलेस के, और मैंने जो आपको वो फ़ोन दिखाया था और ईयरफोन दिखाया था वो मैंने जमा कर दिया है। जैसे आप बाहर आते हो तो वो वापस ले लेते हैं उसको, जो ऑडियो फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेनेटरी डिवाइस मिलता है। तो जगह जगह पे वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऑडियो पॉइंट नंबर 1, ऑडियो पॉइंट नंबर 13, 15। आपको जस्ट उस पॉइंट को सिलेक्ट करके ऑडियो प्ले करनी होती है, और उसके बारे में वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है, वो आपको सुनाई देने लग जाता है। कुछ इस फॉर्मेट में इन्होंने सारे पैलेस को नंबरिंग की हुई है ताकि आप हर एक पैलेस के बारे में सारी चीज़ें जान सको। आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा बैंगलोर पैलेस के बारे में। जो जयाचमारा राजेंद्र वडियार जो महाराज थे, उनका देहांत 1974 में हो गया था बेसिकली, और जो उनके सुपुत्र थे कांता दत्ता नरसिम्हा राया वडियार, उनका भी देहांत 2013 में हो गया था। तो जो उनकी महारानी थी, यानी कि बेसिकली जो उनकी वाइफ थी, वो इसकी अभी प्रॉपर्टी की ओनर है, हकदार है, और उनका नाम है प्रमोदा देवी वडिया। वो अभी भी जीवित है, और मैंने यहाँ पे स्टाफ से बात किया तो पता चला कि वो मैसूर में रहती हैं, और महीने में जैसे एक बार डेफिनेटली आती हैं क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी राइट्स हैं उनके हैं, गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो जैसे मैरिजेस होती हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज, और जो भी फंड्स आता है, जैसे कि अभी हमने भी विजिट किया था, 240 पर पर्सन चार्जेस होते हैं अंदर विजिट करने के, 480 फॉरेनर्स के लिए होते हैं, डबल होता है एक्चुअली। और अंदर फोटोग्राफ्स अलाउड नहीं होती है, आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, अगर उन्होंने देख लिया तो हैवी पेनल्टी वो आपके ऊपर ज़रूर लगाएंगे। और लोगों से बात करके पता चला दोस्तों कि ये अगर आप मैरिज के लिए बुकिंग करना चाहते हो बैंगलोर पैलेस, तो इसका चार्जेस पैलेस का जो चार्ज है वो 31 लाख है पर मैरिज, और डेकोरेशन अलग, खाने पीने का सब कुछ अलग। तो आप समझ सकते हो कितना रेवेन्यू इस पैलेस से आता होगा उन्हें। और एक अंदर जो वर्कर थे उन्होंने ये भी बताया कि टोटल अप्रोक्सीमेटली 92 करोड़ इसका रेवेन्यू आता है पर मंथ। तो मैरिज ऑर्गेनाइज करने के बाद, और जैसे हम जैसे लोग हैं जो विजिट करते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट से जो मनी आता है वो सब इतना रेवेन्यू जनरेट करता है पर मंथ। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जगह है, और इतने पैसे वो लोग इसके अर्न करते हैं हर महीने। तो सलाम है प्रमोदा देवी वडियार जी को, जो मैसूर में होंगी, पता नहीं, क्या पता वो भी ये वीडियो को देख रही हो। तो ये था दोस्तों ब्लॉग बैंगलोर पैलेस का, बहुत अच्छा पैलेस है नो डाउट, और आर्किटेक्चर शानदार है,
आगे से, और जो मैंने आपको हॉल दिखाया वो अंदर की तरफ से, वो भी काफी शानदार हॉल है। वहाँ पे भी जो शादी में डाइनिंग हॉल होता है वो वही हॉल था। तो काफी बड़ा है अंदर और सब कुछ बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और बहुत सारी चीजें महाराजा के बारे में, उनके फोटोग्राफ्स और उनकी चीजों को संजो के रखा हुआ है। आप सब कुछ टच तो नहीं कर सकते हो, लेकिन काफी सारी चीजों को फील कर सकते हो कि उनका ऑफिस कैसा था, कैसी थी वहाँ पे सारी चीजें। उन सभी चीजों को आप डेफिनेटली देख सकते हो और अच्छे तरीके से जान सकते हो बैंगलोर पैलेस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और बैंगलोर पैलेस अगर नहीं आ पाए हैं तो इस ब्लॉग के थ्रू काफी कुछ उसके बारे में जाना होगा। बैंगलोर में जैसे आप जानते हो कि मैं आजकल घूमने के लिए आया हूँ, तो काफी सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि टीपू सुल्तान समर पैलेस हुआ, और लाल बाग गार्डन हुआ, और कब्बन गार्डन हुआ, इस तरह के सारे गार्डन्स में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।